Hi everyone. Warm welcome you all. We are going to discuss important literary works of Matthew Arnold on this channel Englert Zone. Previous video was related to the brief biography of Matthew Arnold. You will get the link of that video in the description box and also in the i button and next video would be on the important MCQs related to the life and literary career of matthew arnold so three back to back videos i will upload on this channel english zone related to matthew arnold first one was related to the life and important facts related to matthew arnold second was on important literary works and third would be on important mcqs on matthew arnold please friends if you are visiting first time on this channel do subscribe this channel and also check out the other videos

सेकेंड वी हैव एम्पिड ऑन एटना एंड अदर पोएम्स जो कि एटीन फिफ्टी टू में पब्लिश हुई है इन्होंने ये वर्क जो पब्लिश किया था एटीन टू फिफ्टी टू में पूरा वॉल्यूम था विदिडोकलिस इन दिस वॉल्यूम देर व्री इम्पोर्टेंट पोएम्स डेट वर इंक्लूडेड दरियल ऑफ द बरियल लाइफ दरियल लाइफ बी वी हैव mp on etna 2nd june poem this volume and C we have summer night that these important poems included in this volume that was published in 1859 by matthew arnold mp on etna and other poems next we have poems volume that was published in 15, 1853 this is very important volume of the poetry

पर्शियन लिटरेचर एंड दिस पोएम रिटेल्स ए फेमस एपिसोड एक एपिसोड के डिस्कशन यहाँ पे होता है बात कर रहे हैं मैथ्यू एंड नॉल अपनी पोएम में नैरेटिव पोएम में सहराब एंड रोस्तम सोहराब एंड रोस्तम टू कैरेक्टर्स जिसमें रोस्तम एक आ, वारियर होता है एंड सोहराव इज हिज सन रोस्तम इज द फादर ऑफ सोहराब एंड सोहराव इज दन ऑफ रोस्तम ये दो वॉरियर्स होते हैं जो आपस में लड़ते हैं और इन्हीं पर स्टोरी ये बेस्ड ऑन है एंड दिस इज एज

ये जोसेफ ग्रैंडविल की जो वर्क था दिवैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग उसमें की एक स्टोरी फॉ सेंचुरी की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को ये स्कॉलर से को रिप्रेजेंट करता है एंड जोसेफ़ ग्रैंडविल की जो वर्क था दि ऑफ डॉगमेटाइजेशन से ये वर्क डॉगमेटाइजिंग से ये वर्क लिखा लिया गया है ये एक पार्ट एक स्टोरी ली गई है एंड ऑल स्कॉलर जिप्सी इन पेस्टोरल मूड एंड इट हैज़ टोटल नंबर ऑफ टू फिफ्टी

Of 74 lines in praise and lament of Matt Wordsworth yes this is a kind of tribute that was given to Matthew and all by sorry that was given to Wordsworth by Matthew and all and in 74 lines this is a kind of elegy poem elegy poem hai and it has a some kind of lines related to the praise and lament on the loss of Wordsworth because

पब्लिश हुई है 1855 में इसकी इम्पोर्टेंट जो पोयम था इस वॉल्यूम में इस सीरीज uh, में दैट वाज ब्लेडर टेड यस दिस इज एन इम्पोर्टेंट पोयम इंक्लूडेड इन द सीरीज सेकंड सीरीज ऑफ पोएम्स पब्लिश्ड इन 1855 एंड नेक्स्ट वी हैव ऑन ट्रांसलेटिंग होमर यस एंड इट वाज पब्लिश इन 1861 ये जो वर्क था ऑन ट्रांसलेटिंग होमर दिस वाज अ वर्क एंड दिस वॉजन ऑफ सीरीज ऑफ पब्लिक लेक्चर्स जो पब्लिक लेक्चर्स के मैथ्यू एनॉल्ड के उसका ये सीरीज था एंड इट वॉज पब्लिश इन एटीन सिक्सटी एज प्रोफेसर ऑफ पॉइट्री एट ऑक्सफोर्ड जो ऑक्सफोर्ड में जब ये प्रोफेसर ऑफ पॉइट्री थे तब उन्हें जो लेक्चर्स दिए हुए थे दैट इज दीरीज ऑफ लेक्स एंड इट वॉज पब्लिस इन एटीन सिक्सटी वन एंड द टाइटल ऑफ दिस

poetry is the criticism of life and he had discussed this concept this phrase in his work the study of poetry in 1880 friends abhi main abhi ke liye main important ke works bata rahi hu aage alag alag works main ka discuss karungi jo ki detail video hoga because kisi bhi work ke jo bhi poets ne aap jo bhi matthew arnold ne likha hua especially jab hum baat kar rahe hain aaj matthew arnold की that is not very easy to cover

1867 में ये पब्लिश हुई है देखिए इसमें पोएम्स न्यू पोएम्स सेकेंड सीरीज पोयम्स तो उसमें कैटेगरी में, में ना बहुत से अलग अलग पोएम्स को डिस्क्राइब किया गया है और वो पोयम्स जो अलग अलग टाइम पे लिखी गई हैं बट दे हैड पब्लिश इन अ वॉल्यूम दैट इज हियर गिवन एज अ साइन एंड द न्यू वॉल्यूम्स जो पोएम था 1867 में ये पब्लिश हुआ है इसके अंदर के जो पोएम्स पब्लिश हुए हैं इस वॉल्यूम में जो भी पोएम्स मैथ्यू एनॉल की पब्लिश हुई हैं हम उसका डिस्कशन कर लेते हैं

दिस पोए इस पोईम में जो बात हो रही है डॉबर बीच में जो कि 1851 में लिखी गई है एंड पोएट टॉक्ड अबाउट दी लॉस ऑफ रिलीजियस फेथ एंड ही एट द लास्ट ऑफ द पोएम कंसोल्स देयर इज अ काइंड ऑफ होप एंड ही टॉक्ड अबाउट लव इन दैट पोएट्री ही कंसोल्स हिमसेल्फ बाई लव नेक्स्ट वी हैव थायरिसिस दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पोयम It is a pastoral elegy written in December 1865 on the death of his friend, the poet Arthur Hugh Clogue. Jo inka friend Oxford He had written this pastoral elegy on the loss of his friends, that was Arthur Hugh Clough. And it was written in 1865 but published in 1867 in new poems. Next we have Rugby Chapel.

1873 में ये वर्क पब्लिश हुआ है ये जो मैथ्यू अनोल बेस्ट वर्क इन क्रिटिसिज्म ऑफ रिलीजन यस दिस इज द वर्क लिटरेचर एंड डॉगमा जो कि 1873 में पब्लिश हुई है दिस इज द वर्क ऑन क्रिटिसिज्म ऑफ रिलीजन एंड दिस इज द क्रिटिकल वर्क ऑफ मैथ्यू अनोल पब्लिश इन 1873 नेक्स्ट वी हैव गॉड एंड द बाइबल पब्लिश इन 1875 दिस इज आल्सो ऑन द

Are related to the subject matter of religion according to Matthew and all. So, we had here discussed the important works. Please wait for the important MCQs of Matthew and all's literary works and his life related important works. We will discuss that in there in that video of MCQs. Please wait for that video and also check out the other videos please if you have any queries please do not hesitate to ask that questions in the comment section